सुंदर सुंदर घोड़े हैं। पहुंच गए हैं कालसी। महासो देवता है यहाँ से 160 यमुनोत्री 141। बड़कोट में अच्छा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से काफी नजदीक है। थैंकफुली अभी तक बारिश तो नहीं है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, मॉनसून वेदर। अभी तक तो प्लेन एरिया था, लेकिन अब थोड़ा सा कालसी में अगर आप टैंकी फुल करवा के जाइए। हमने सुना कि चक्राता में जो है वो पेट्रोल पंप नहीं है। सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं है। भूख इतनी लगी हुई है ना हमको, इसने खाने नहीं दिया जहाँ मैंने रोक दिया था एक जगह पे। आगे खाएंगे, आगे आगे तो मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि एक जगह बहुत अच्छा आगे थोड़ा व्यू दिख रहा है नदी के पास आसपास के, व्यू के साथ एंजॉय करते हुए खाना खाएंगे, तो जो था वो भी छूट गया। और अब यहाँ इस जगह मैंने पूछा ये भी कितना टिकट हम रखा उन्होंने पूरे मजे में। बहुत सारे भैया, बहुत सारे। आधी रोड चल रही है। अरे भाई यहाँ तक पता क्रैक्स है, क्रैक्स है। बाप रे, कालसी से करीबन आधा पौना घंटा दूर ही ये सैया है, छोटा सा कस्बा और छोटा सा टाउन कहिए आप इसे। कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिला इसलिए हम आगे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा जहाँ मैंने रोका था वहीं मिलना चाहिए था। अब तो पीछे तो हम जा नहीं सकते, हम तो यही मिलेगा ना यहाँ। बहुत ही बढ़िया दिख रहा भैया, लुक एट द व्यू गाइस। ढाई घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग एक स्टॉप पे रुके हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। चलो चलो करके बताइएगा, हम तो बहुत ज़्यादा मजे लूट रहे हैं इस नज़ारों के। आपने भी लूटा होगा मज़े इस
सामने बड़ा ही सुंदर झरना हमें दिख चुका है, तो हम गाड़ी रोकना तो बनता है। तो हम झरने के साइड में रोक रहे हैं दोस्तों और ये सोने का सरना नहीं, ये सिल्वर का झरना है। कालची की बात जो है, ये कौन सी जगह? कोरवा। कोरवा में आपको रिलायंस पेट्रोल पंप एक जगह है, यहाँ पे आपको कालची के बाद रिलायंस पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो डोंट वरी गाइस, पेट्रोल तेल है, तेल है, तेल है। हाँ, तो जहाँ पे नहीं लेने का तेल है, तेल है, टंकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ से चक्राता कुछ 15 किलोमीटर लगभग है, तो आपको मिल जाएगा आराम से तेल। रिजॉर्ट मिल जाएंगे कोरबा से थोड़ा सा ही, बाद में आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। होटल पुरान, ये बहुत हाल है। मैं क्यों करूँ, जाएंगे तो जरूर अभी चिरमिरी टॉप, सनसेट दिखे ना दिखे, जाना तो बनता है भैया, वहाँ जाना तो बनता है। बट अभी देवदार के घने जंगलों के बीच दो मस्तानी चल रही हैं, दो मस्ताने चल रही जिंदगी बसाने। ये है चक्राता की मार्केट, चक्राता का बंदर। हम लोग पहुंच चुके हैं चक्राता और हमने कर लिया है चेक इन सिद्धार होम स्टे। दिस इज द रूम, ये टॉयलेट है, ये है रूम, ये है पागलपति, इतना ठीक है, ये एंट्रेंस। इसलिए रिपेयर भी नहीं करते ना वो रोडों को। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी खड़ी तो। हेलो एवरीवन, और हम लोग आ गए हैं चिरमिरी टॉप की पार्किंग एरिया में, और यहाँ पूरी जगह में हम दोनों मस्ताने हैं। केवल हम ही है, केवल कोई नहीं है ना। और यहाँ पर से सनसेट और सनराइज का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, हाँ? लेकिन हमारी किस्मत इसलिए अच्छी है ना, क्योंकि आज जो है अभी फॉगी वेदर थोड़ा बिल्कुल गायब हो चुका है, नीला आसमान, ग्रीन विंडोज के बीच में हम लोग पागल।
हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ट्रैक करना ही है, थोड़ा सा ट्रैक करके जा रहे हैं। वैसे तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी, लेकिन आशीष कह रहा हम वहाँ पे लेके जाएंगे। ये कोई नहीं दिखाता। ये जो चढ़ाई है, ज़्यादा थोड़ी है, फिर भी अपना तो निकल गई हवा। थोड़े चलने में नीचे हमने बहुत अच्छे खासे वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, फोटोज खींची। खाली पड़ा हुआ यार, वीक डेज में इट्स बहुत अच्छा। सब कुछ खाली मिला और वेदर भी बहुत अच्छा है, कोई कोहरा नहीं है भाई साहब। वो टॉप अभी तुम नीचे ही थे जहाँ पे गाड़ी पार्किंग है, लेकिन अब ये बना है रास्ता। ट्रैकर्स तेरी जूली याद कर रही होगी तेरे को। ब्यूटी है यार, चकराता। अगर आपको यहाँ के भाई कितने बड़े बड़े रीज दिए यहाँ पे। अपनी वाइफ को दो। बहुत सुंदर लग रहा है तो। अभी आपने नीचे नीचे की ब्यूटी देखी थी, अब यहाँ से दूसरी तरफ का वैल्यू आप देखेंगे। ये वाला व्यू पॉइंट तो बहुत मस्त रहा। सनसेट तक हम रुके नहीं, क्योंकि सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट। हाँ बट रुके नहीं, क्योंकि ऊपर ना वो सूरज बादलों में छुपा हुआ है, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। और हम लोग ड्राइव करके भी आए, हमने बोला यार चलो फिर मार्केट थोड़ा सा घूमते हैं, एंड कल फिर कुछ स्पेशल भी है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। मतलब स्पेशल करने वाले नहीं, लेकिन कल स्पेशल डे है तो उसके लिए भी थोड़ा रेस्ट करते हैं। कल थोड़ा हेक्टिक रहेगा तो। अभी पता कैसा लग रहा है बोलता, अभी गाइस थोड़ा सा। हाँ नमस्ते गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। कल का देखते हैं क्या क्या रहेगा। थोड़ा मार्केट घूमेंगे यार, ऐसा कैसा मार्केट नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, बट यहाँ पे सदर बाजार है छोटा सा, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ। कुछ घर की दालें मिलती हैं यहाँ पे, तो वो राजमा और ये वो लेंगे, थोड़ा सा। तो अभी के लिए चल में ही टॉक करते हैं हम। बाय बाय। मोमोस, चांदना मोमोस यहाँ पे ट्राई करते हैं।
opposite. जी 60 रुपए डाले हो चने के सर, ये वाला राजमा तोलो साहब का 2 किलो, दो एक एक किलो अलग अलग, एक एक किलो दो जगह कर दे। और एक ना दीदी आप हमारी ये हर्बल टी जरूर पीना, जिंजर टी कहते हैं इसे, केटल ऑन कर देना। अच्छा कौन सी? 70 रुपए। हाँ जी ये वाली दीदी जिंजर टी हमारी, इसमें क्या आपका अदरक शहद नींबू के अलावा कम से कम 12-15 खड़े मसाले ऐड है, जिनके गले में एसिड वगैरह बनता है, स्टमक के डाइजेशन के लिए तो अल्टीमेट है। आइएगा प्लीज, आपको टेस्ट करा दूँगा। अच्छा मैंने डिनर कर लिया है और आशीष दिल्ला लेट हो चुका है बिस्तर पे, तो हम ये व्लॉग अभी 8 डे 1 का एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह। गुड नाइट।